हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। माई सेल्फ शुभम बोलेंगे। आप सभी का इस लेसन में स्वागत है। वेलकम टू अन अकेडमी। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि नीट्स और एम्स के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज इस चैप्टर के ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और इस साल भी पूछे जाने के चांसेस बहुत है बच्चों। ओके, तो आपको एग्जाम के लिए जितना कंटेंट लगता है उतना ही कंटेंट हम आपको इस लेसन में पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ कीजिएगा भी मत, क्योंकि हम जितना आपको पढ़ाएंगे उतना ही एग्ज़ाम में आ सकता है। हम आपको क्या सिखाएंगे कि हर लेसन में हम आपको 15 to 20 पॉइंट देंगे। उसी पॉइंट में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है नीट के लिए, उसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और वही एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो तो हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे कि इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने किंगडम मोनेरा, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो हमने देख लिया है। मैं आप प्रीवियस लेसन पढ़ के देखिए, उस लेसन में हमने पूरा कवर कर लिया है। जो किंगडम थे हमारे 4 किंगडम वो कवर कर लिया है। हम इस लेसन में पढ़ने वाले किंगडम प्लैनेटी और किंगडम एनिमेलिया के बारे में, जो कि थोड़ा सा पार्ट दिया वाला है इसमें, और इसका अलग एक चैप्टर दिया गया है। किंगडम प्लैनेटी और किंगडम एनिमेलिया का अलग चैप्टर दिया है, उस चैप्टर में हम इस दोनों को डीप में देखेंगे। फिलहाल हमको इस चैप्टर में देखना है कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है, किसका, किंगडम प्लैनेटी और किंगडम एनिमेलिया का। ठीक है बच्चों, तो चलो तो हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। किंगडम प्लैनेटी, तो ये किंगडम प्लैनेटी होता क्या है इसके बारे में देखेंगे हम। उसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ किंगडम प्लैनेटी का वो देखेंगे, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट, बिकॉज इस चैप्टर को हम बहुत ही डीपली देखने वाले हैं, जो कि नीट और एम्स के थ्रू इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इसका अलग चैप्टर दिया गया है हमारे बुक में, जो कि एनसीईआरटी का बुक है। इस एनसीईआरटी के बुक में इसका अलग चैप्टर दिया गया है, किंगडम प्लैनेटी का और किंगडम एनिमेली का। उसमें हम इसको डीप में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमको इंट्रोडक्शन देखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। किंगडम प्लैनेटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक। किंगडम प्लैनेटी के अंदर ऑल यूकैरियोटिक एनिमल्स आते हैं। कौन से? यूकैरियोटिक एनिमल्स। ओके, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल किस लिए? तो सिंथेसिस ऑफ फूड का सिंथेसिस करने के लिए उनको क्लोरोफिल लगता है। जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट को जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। किस लिए? फूड बनाने के लिए प्लांट को क्लोरोफिल लगता है। ओके, अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। जो किंगडम प्लैनेटी, किंगडम प्लैनेटी के अंदर कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मतलब किसी दूसरे अदर के ऊपर डिपेंड रहना। ओके, जो कि अपना जो खुद का फूड है वो खुद का फूड और खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। सच तो उनको हम क्या कहते हैं? सच है, जो कौन कौन से इंसेक्टिवरस, जो इंसेक्ट होते हैं तो इंसेक्टिवरस प्लांट उन वो हेटेरोट्रॉपिक है। ब्लैडवर्ट भी जो है हमारे पास वो भी इंसेक्टिवरस यानी हेटेरोट्रॉपिक है। एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवरस। एंड कौन सा? ये वेनस फ्लाई ट्रैप, जो वेनस फ्लाई है वो भी इंसेक्टिवरस प्लांट है। एंड कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट। उसका पैरासाइट कौन सा है? तो कस्क्यूटा वो पैरासाइट है। द प्लांट सेल हैव अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। जो हमारे पास प्लांट है तो उस प्लांट सेल का प्लांट जो है प्लांट के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, तो उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है हमारे पास? यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है बच्चों। कैसा स्ट्रक्चर है? यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। वहाँ उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। और उसकी जो प्लांट है, प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से उसकी जो सेल वॉल है प्लांट की वो बनी होती है। आपने देखा होगा जो सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल एक चैप्टर है, हम देखेंगे आगे इस चैप्टर को, तो उसके अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल दिया होगा। तो प्लांट सेल जो हमारे पास है, प्लांट सेल का जो सेल वाले प्लांट सेल का, तो वो किससे बना होगा? सेल्युलोज से बना होगा। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे बच्चों। ओके,
प्लैनेटी इंक्लूड्स, जो हमारे पास प्लैनेट है तो प्लैनेटी के अंदर कौन कौन से आते हैं, कौन कौन आता है, उसके टाइप यानी क्लासिफिकेशन, आपको अगर कहना होगा तो उसको क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं हम। इंक्लूड प्लैनेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, अल्गी, हमको अल्गी के बारे में पढ़ना है, ओके, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये प्लैनेटी के क्लासिफिकेशन है जो कि हमको प्लैनेटी चैप्टर में देखना है। इसका अलग चैप्टर दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया, उस चैप्टर में हम इनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखना है हमको और कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। हम उस लेक्चर में आपको एकदम डीपली, जितना डीप आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बेसिक बेसिक तो आप पढ़े ही होंगे, वो बेसिक नहीं देखेंगे, जितना आपको एग्जाम के लिए लगता है उतना ही हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, ओके बच्चों। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज, जो हमारे पास प्लांट की लाइफ साइकिल है उसके टू डिस्टिंक्ट फेज है, कौन कौन से, द डाइप्लॉयड, सैप्रोपाइटिक, कौन सा पहला है, द डाइप्लॉयड सैप्रोपाइटिक एंड हेप्लॉयड, आपको पता है डेप्लॉयड मीन्स 2n और हेप्लॉयड मीन्स n, डेप्लॉयड मीन्स 2 गैमेट्स, ओके, 2 गैमेट डेप्लॉयड, और हेप्लॉयड मीन्स 1 गैमेट दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर, आपको पता होगा डेप्लॉयड और हेप्लॉयड का मीनिंग क्या है, आपको पता चल गया होगा, डेप्लॉयड डाई मतलब 2, ओके, हेप्लॉयड मीन्स 1, डेप्लॉयड मीन्स 2n और हेप्लॉयड मीन्स n, 2 प्लांट की साइकिल है, कौन कौन से डिस्टिंक्ट फेज है, द डेप्लॉयड, सैप्रोपाइटिक और हेप्लॉयड, ओके। नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा हमारे पास क्लासिफिकेशन है, किंगडम एनिमिलिया, ओके बच्चों, किंगडम एनिमिलिया का देखते हैं हम कि इसमें क्लासिफिकेशन कैसा है, इसका क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमिलिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे, थोड़े एग्जांपल देखेंगे किंगडम एनिमिलिया के अंदर, और किंगडम एनिमिलिया होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी जो हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी के बुक में इसका भी एक चैप्टर अलग से दिया गया है बच्चों, ओके, तो वहाँ पे हम जाके डीप में इसको देखेंगे, यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही डीप में हम देखने वाले, तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट है, उतना ही लेंगे लेके हम आगे चलेंगे, ओके। तो किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया क्या है, द किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास किंगडम एनिमिलिया होते हैं वो उसके कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, जो किंगडम एनिमिलिया है वो हेटरोट्रॉपिक नेचर में प्रेजेंट होता है और वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, हेटरोट्रॉपिक मींस जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपना खुद का अन्न, खुद का फूड वो खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो किसी और के ऊपर ईटिंग के लिए डिपेंड होते हैं, ओके। आर मल्टी सेल्युलर, वो जो किंगडम एनिमिलिया है हमारे पास वो मल्टी सेल्युलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एंड देयर सेल लैक सेल वॉल, उसकी सेल वॉल जो होती है वो लैक सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कैसी होती है पता है, उसकी सेल वॉल लैक होती है, कम सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसके अंदर, द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और फूड, और जो एनिमल्स है हमारे पास जैसे कि ह्यूमन बींग्स, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारा, हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एक तो प्लांट के ऊपर, नहीं तो प्लांट अपना सोर्स कौन सा है, तो प्लांट ही सोर्स है हमारा, जो ह्यूमन बींग है हम और आप जो ह्यूमन बींग है वो किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर टोटली डिपेंड होते हैं हम, किसके लिए, खाने के लिए, टोटली प्लांट के ऊपर होते हैं, जैसे कि प्लांट के फ्रूट हो गए, फ्रूट हम खाएंगे, सिंथेसिस कौन करता है, प्लांट, तो प्लांट क्या हो गया, हेटेरोट्रॉपिक, और हम सॉरी प्लांट हो गया क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि वो खुद का अन्न खुद प्रिपेयर करता है, खुद का फूड खुद प्रिपेयर करता है, और हम हेटेरोट्रॉपिक हो गए जो कि प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, ओके फ्रेंड्स, जो कि हम प्लांट और फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, द डाइजेस्टेड सॉरी दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल, और वो जो एनिमिलिया है हमारे पास वो जो अपना फूड है वो इंटरनल डाइजेस्ट करते हैं, जो कि अपने बॉडी के अंदर वो अपना फूड जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं, कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन और फैट, जो हमारे पास फूड जो होते हैं तो फूड किस टाइप में रिजर्व करके रखते हैं, वो ग्लाइकोजन और फैट के टाइप में वो रिजर्व करके हमारे बॉडी के अंदर रखते हैं। आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारे पास हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड स्टोर कैसे होगा, तो क्या होगा उसका, ग्लाइकोजन और फैट के थ्रू उसका फूड स्टोर होगा, ओके। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कपल्शन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, और हमारे
जो एनिमल है, सॉरी किंगडम एनिमल है हमारे पास, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कपल, कपल यानी मेल और फीमेल। ओके, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर कह सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और हाँ मुझे अनअकैडमी के ऊपर जरूर फॉलो करना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना फ्रेंड्स इस लेक्चर को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, चलो फ्रेंड्स थैंक यू। और हाँ बच्चों, मुझे अन अकेडमी के ऊपर जरूर फॉलो करना। बाय, धन्यवाद, थैंक यू।